हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंजीनियरिंग मटेरियल के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम आपको ये पहले ही बता देना चाहते हैं कि जो हम आपको ये 20 क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को पढ़कर एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। आपके 40 से 45 नंबर बहुत आसानी से आने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। केवल 20 क्वेश्चंस को, आपका पूरा पेपर इसी वीडियो से फंसने वाला है। बाद में आप लोग खुद कमेंट करके बोलेंगे, हाँ सर, आपने जितना बताया हुआ था उतना ही पूरा पेपर पर आया हुआ था। तो दोस्त, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया गया हुआ है, धातु के परीक्षणों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपका जो दिया गया है, जो आपका मटेरियल होता है उसका जो परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल वही 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम पर आने के चांसेस हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इन 20 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि जो हाँ 100% क्वेश्चन आएगा, तो जो स्टूडेंट वीडियो देखेंगे उनको निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है जो आपका, क्रिस्टल इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको क्या आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो जो आपका क्रिस्टल इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको बताना है क्या होता है और इसका जो विस्तार से आपको वर्णन करना है, ठीक है दोस्त। इससे पहले हमने आपका थर्मल इंजीनियरिंग और मॉस के भी 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने आपको बता रखे हैं, तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर इन स्क्रीन पर दे देंगे, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो आप लोगों की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी किसकी, मटेरियल की। तो आपको बताना है जो आपकी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर पर जरूर आएगा ये क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इसमें तैयार करते हैं तो आपको इसके दो बेनिफिट होने वाले हैं, आपका तो इंजीनियरिंग मटेरियल पर आने ही आने वाला है ये क्वेश्चन, और आपका जो मॉस है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और जो आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है दोस्त, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो एक तीर से आपके कितने 3 निशाने लग रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी बात में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसे जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 नंबर दिया गया है, रिफैक्टरी मटेरियल्स को समझाइए, टूल एवं डाई स्टील में अंतर लिखिए। जो आपका दोस्त टूल एवं डाई स्टील में जो अंतर लिखने के लिए आता है, वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम पर आपके पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्त आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर, उसकी बात कर लें, एल्युमिनियम के गुण एवं उपयोग लिखिए। तो इसको 2 से 3 स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एल्युमिनियम क्या होता है आपसे पूछ लेगा पहले, फिर एल्युमिनियम के जो गुण होते हैं और जिसके उपयोग हैं, ठीक है, इसके यूजेस हैं, ये आपसे पूछ लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर पर पूछा जाएगा। ये 5 से 10 मिनट का दोस्त वीडियो आपको एग्जाम पर 35 से 40 नंबर बहुत आसानी से दिलाने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं जो आपका 6वां क्वेश्चन दिया गया, एल्युमिनियम की मुख्य मिश्र धातुओं का संगठन, गुण एवं उपयोग लिखिए। तो आपकी जो एल्युमिनियम है, इसकी जो आपकी मुख्य मिश्र इसकी धातुएं हैं वो आपको बताना है, और इसके जो गुण और उपयोग हैं वो भी आपको बताने हैं दोस्त। अगर इन्हीं क्वेश्चंस के आपको आंसर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैकेनिकल गाइड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो PDF और नोट्स होगी हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो फटाफट से जाकर सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्त आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अगर उसकी बात कर लें हम लोग, हाई स्पीड टूल स्टील तथा जो आपका दिया गया है, जो आपका सबसे पहले हाई स्पीड स्टील क्या होता है ये आपको बताना है टूल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे रहा है दोस्त, स्टील क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो स्टील है, ये आपसे पूछा जाएगा, स्टील क्या होता है,
इसका जो क्लासिफिकेशन है ये भी आपसे पूछेगा, ये कितने प्रकार का होता है और सबके बारे में वन बाय वन करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दोस्त 9 नंबर बनता है, प्लास्टिक क्या है, तो आपको बताना है जो आपकी प्लास्टिक है वो क्या होती है, ठीक है। इसके स्रोत एवं मुख्य गुणों का वर्णन करें, तो जो आपका दोस्त 5th चैप्टर है ये आपका प्लास्टिक है दोस्त, ये आपका किसमें वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी पूछा जाने वाला है और आपका जो ईएम है उसमें भी पूछा जाने वाला है इंजीनियरिंग मटेरियल, तो दोनों में इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसमें अगर आप तैयार करते हो तो आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी तैयार हो जाएगा और उसमें भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आपको पढ़ना है इसमें प्लास्टिक क्या होता है, आपका जो इसके स्रोत हैं इसके जो गुण हैं इसका भी वर्णन आपको करना है। और दोस्त आपकी जो प्लास्टिक होती है वो कितने टाइप्स की होती है, वो आपकी 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, तो आपकी ये 2 प्लास्टिक होती है। तो आपको बताना है थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में अंतर एवं उपयोग लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्त, जब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तभी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है, रबड़ क्या है, इसका वर्गीकरण करें, ठीक है। तो आपकी जो रबड़ होती है वो क्या है आपको बताना है और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेना है, बहुत छोटा से है, ठीक है। दोस्त जिन स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आगे आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताएंगे वही पूरा पेपर पे आपके आने वाला है। अब बात करते हैं दोस्त जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन से क्या समझते हैं, जो आपका सॉलिड सॉल्यूशन है उससे क्या समझते हैं आप, इसका वर्णन करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन जो 13 नंबर है, हीट ट्रीटमेंट की विभिन्न संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, अनिलीकरण एवं निर्मलीकरण को समझाइए। तो कहने को जो आपका हीट ट्रीटमेंट की जो विभिन्न संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, अनिलीकरण एवं निर्मलीकरण के बारे में आपको बताना है। डायरेक्ट ही पूछ लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आपका ये आएगा तो 5 नंबर पर आएगा और इस बार मुझे लग रहा है कि 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखे हैं उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलने वाला है, केवल 20 क्वेश्चन में भी आपका पूरा पेपर फंसने वाला है, ठीक है। ऐसे ही हम आपके आल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाकर आपको बता देंगे अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आपका जो 14 नंबर दिया गया है, हीट ट्रीटमेंट में जो आपका टेम्परिंग प्रोसेस को समझाइए, हीट ट्रीटमेंट में जो आपका टेम्परिंग प्रोसेस है उसको क्या करना है आपको समझाना है। नेक्स्ट आपका दिया गया दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम को समझाइए। तो आयरन कार्बन का जो फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम है उसको आपको क्या करना है समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्त क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर, धातु के शीत रूपक एवं तप्त रूपक को समझाइए। तो कहने को जो आपका धातु है मटेरियल है उसको क्या करना है, इसका जो शीतक रूप मतलब ठंडक रूप है और जो इसका तप्त रूप है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों बात कर रहे हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ है 17 नंबर, इसकी बात कर लें अगर हम लोग, लौह धातुओं का वर्गीकरण कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लौह धातुओं का वर्गीकरण कीजिए, लौह धातुएं आपकी क्या होती, अलौह धातुएं क्या होती, इनके लाभ क्या है, हानि क्या है, उपयोग क्या है, ठीक है। तो 5 नंबर पर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लौह धातुएं और अलौह धातुएं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनके यूजेस, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्त 18 नंबर, ठीक है, उसकी बात करें ब्रेजिंग और ब्रॉन्ज, जो आपका ब्रेजिंग और ब्रॉन्ज है इसमें आपको बताना है ये क्या होता है। नेक्स्ट आपका बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसकी बात करें मिश्रित पदार्थ और श्रमिक पदार्थ के गुण को बताइए। कहने को जो आपका मिश्रित पदार्थ होता है मटेरियल, जो आपका मिक्स मटेरियल होता है वो आपको बताना है क्या होता है, और जो आपका श्रमिक पदार्थ है जो इसके गुण हैं वो आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्त हमने इसमें आपको बताया इस वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन जो कि पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मटेरियल के। जिन स्टूडेंट ने वीडियो को फुल देखा है उनको इसका निश्चित रूप से बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त एक और नेक्स्ट वीडियो पर।